हरिओम दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोरंजन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको न्यूध सिखाऊंगा। न्यूध करने से पहले कुछ द्रुत व्यायाम करना पड़ता है, उसका बाद न्यूध करेंगे। तो चलिए कुछ द्रुत व्यायाम कर लेते हैं। है जोग स्थिति, एक ऊपर उठे दो करेंगे, एक दो दो एक दो, बाहर से अंदर ऐसे घुमा के एक स्ट्रेचिंग कर लेंगे। ऐसे खोल दीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसे जर्क दीजिए, घूम जाइए। मैंने तरफ कोई काम धीरे धीरे सावधान गण दक्ष निरुद्ध सिद्ध विभाग सा एक में उछल कर दोनों पैर दोनों तरफ कम से कम दो फीट अंतर में रखना है। विभाग सा एक देख लीजिए, विभाग सा एक एक फिर विभाग सा दो, इतना कम है ना। दक्ष पूरा काम करेंगे। श्वास छोड़ने के समय में हाथ को ब्लॉक करके रखेंगे। दोनों पैर कम से कम दो फीट अंतर में रहना चाहिए और श्वास छोड़ना चाहिए। विभाग से एक विभाग से दो में श्वास लेते हुए हाथ को मुठा करके लाके रखना है। सावधान निरुद्ध सिद्ध स्वस्थान मुष्टि प्रहार, बाएं हाथ आगे रखिए। देखिए मुष्टि प्रहार ऐसे किया जाता है, धीरे धीरे पहले करेंगे। दाहिना हाथ को हाथ मुठा ऊपर में और बाएं हाथ का मुठा नीचे में, ऐसी नीचे तरफ धीरे धीरे जाएगा। ये रास्ता में बदल जाएगा। एक यह हाथ आगे चला गया, यह हाथ दो वही काम श्वास छोड़ते हुए। एक बहुत बड़ा भारी चीज यहाँ लटका हुआ है, उसको ढलते हुए ऐसी करते हैं। ये सोच के
मारियो तो स्वस्थ। अब वही काम थोड़ा फोर्स देके पावर देके मारेंगे। कैसे? एक दो थोड़ा दबाते, एक दो, एक दो, दो। ये मार जब मार होता है उसी समय सारे एयर निकल जाना चाहिए, इसलिए नहीं तो हुप हुप ऐसा भी कर सकते हैं। मुष्टि प्रहार मुख्यतः तीन मर्मस्थली है, नासिका, सूर्यचक्र, जठर। देख लीजिए, नासिका, सूर्यचक्र और जठर, ये तीनों को हम प्रहार करते हैं। पहले हम सूर्य चक्र को अभ्यास करेंगे आज, फिर अगले वीडियो में नासिका, सूर्य चक्र, जठर, इसी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अभी सरदार, अभी मुष्टि प्रहार पूरा कुरु में करेंगे, 10 बार 20 बार ऐसे करते रहेंगे। मुष्टि प्रहार सूर्य चक्र मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा मुष्टि प्रहार कैसे किया जाता है, निउद्धा सिद्धा कैसे किया गया। इसमें आपको मैं पूरा विभाग से सिखाया हूँ, और मुष्टि प्रहार आज कैसे सिखाया उसको आप अपने क्षेत्र में प्रैक्टिस करिए। ये प्रैक्टिस होने के बाद फिर अगले वीडियो में कुछ और मुष्टि प्रहार सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।